समय समय की एक अच्छी बात होती है, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जो व्यक्ति आपके बुरे से बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता उससे बड़ा साथी आपका कोई हो ही नहीं सकता। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराए लोग कहां से साथ देंगे। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपके अंतर आत्मा। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वो उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या को देखकर जीवन में कभी हार मत मानना, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। भरोसा लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको हमेशा सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी इंसान नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में कभी दुख ना आया हो। चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा है। लेकिन कहते हैं, जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हैं वैसी ही यह दुनिया आपको दिखाई देती है। इसीलिए हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको अपने हालातों को बदलने की उम्मीद और ताकत देती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक महात्मा रहा करते थे। सुबह हो या शाम वो हमेशा खुश रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते और वह उन लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा, गुरुवर आप हमेशा खुश रहते हैं, इस खुशी का राज क्या है? मैं तो हमेशा दुखी रहता हूँ। महात्मा मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहा, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताऊंगा। यह सुनकर व्यक्ति महात्मा के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में महात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति से कहा, इसे पकड़ो और मेरे साथ चलो। व्यक्ति ने उसे पत्थर को पकड़ा और महात्मा के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उस व्यक्ति को अपने हाथों में दर्द महसूस, लेकिन उसने महात्मा से कुछ भी नहीं कहा और वह चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते काफी समय बीत जाने के बाद उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया और उसने महात्मा से कहा, गुरुवर मुझे इस पत्थर के कारण अपने हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा, एक काम करो, इस पत्थर को नीचे रख दो। व्यक्ति ने तुरंत ही उस पत्थर को नीचे रख दिया और जैसे ही उस व्यक्ति ने उस पत्थर को नीचे रखा उसने बहुत ही सुकून और राहत महसूस की। तभी महात्मा बोले, यही हमेशा खुश रहने का राज है। व्यक्ति बोला, गुरुवर क्षमा करें, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। महात्मा ने कहा कि जिस तरह इस पत्थर को कुछ पल अपने हाथों में उठाए रहने पर थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी देर और उठाने पर हाथों में ज्यादा दर्द होने लगता है, और इसे ज्यादा देर उठाकर रखने पर दर्द बढ़ता ही जाता है।
उसी तरह दुख के बोझ को जितना अपने मन पर उठाए रखोगे उतना ही तुम दुखी और निराश होते रहोगे। यह सिर्फ तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने दुख के बोझ को कुछ पल के लिए उठाकर रखते हो या पूरी जिंदगी भर। अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो तो अपने मन के दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो। साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू है। अगर सुख ना हो तो हमारा जीवन निराश बन जाता है। उसी तरह अगर दुख ना हो तो हम सुख का असली आनंद ही नहीं ले सकते। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, खुश रहना या ना रहना हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जब हम एक खुशी की बात पर बार बार प्रश्न नहीं हो सकते तो फिर एक दुख को याद करके बार बार क्यों रोना। हमें यह समझना होगा, अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो उसे जल्दी से जल्दी भूलकर आज मैं जीना ही समझदारी है। इसीलिए एक ही बात को पकड़कर दुखी रहने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। खुश रहे, क्योंकि परेशान रहने से मुश्किलें हल नहीं होती बल्कि हमारे आज का सुकून भी चला जाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।